पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट ही हैड नॉट गोन टू डेली या ही हैड नॉट गोन देयर आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज यूज प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. हैड दे प्लेड क्रिकेट हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट वाई हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस. ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर थ्री डेज. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस. ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस 2020. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और नॉट बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड दे बीन रीडिंग सिंस जनवरी. नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैड दे नॉट बीन रीडिंग सिंस जनवरी. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर सिंपल फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर सिंपल. अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट. यू नो विल इज यूज विथ ही सी राम एंड शैल इज यूज विथ आई एंड वी ओनली एंड रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स टेक विल. एग्जाम्पल ही विल गो टू स्कूल आई शैल प्ले द गिटार. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और शैल नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल नॉट हेल्प यू आई शैल नॉट हेल्प यू. यू हैव सीन हियर विल इज यूज विद द ही एंड शैल इज यूज विथ आई. तो आई एंड वी ओनली टेक शैल इन फ्यूचर टेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल और शैल इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट and then after subject not is used if the sentence is negative interrogative plus V1 plus object. Will he go there? Shall I help her? Why will he not help the poor are the examples of this. Negative sentence subject plus future continuous. अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल बी हेल्पिंग द पुअर एग्जाम्पल ऑफ दिस शी विल बी क्लीनिंग द रूम. नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश आई शैल नॉट बी गोइंग देयर. इंट्रोगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस इज will or shall before the subject plus be or not be plus be for plus object. Will he be going to market? Will he not be going to market? Why will he not be going to school? Future perfect. Affirmative sentence. Subject plus will have shall have plus be three plus object. He will have written a letter. Negative subject plus will not have or shall not have plus V3 plus object. She will not have done well. Interrogative sentence before the subject will or shall plus subject plus have or not have plus V3 plus object. Will she have written a book? Will she not have written a book? When will she have written a book? Future perfect continuous tense. Affirmative sentence subject plus will have been shall have been plus before plus object plus for or from. You know since is not used in future tense future perfect continuous. He will have been reading English from January. Negative sentence subject plus will not have been shall not have been plus before plus object plus for or from. She will not have been reading English for 2 days. Interrogative sentence subject before the subject will or shall is used plus subject plus have been
और नॉट हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस क्वेश्चन मार्क. विल ही हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर टू डेज. विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 10 AM. Interrogative sentence of future perfect continuous. Will they not have been reading English from 10 AM? Is the example of interrogative sentence of future perfect continuous. And students, in this way, the topic is over. You can make more and more sentences according to the given structures and study well. Thank you so much.